बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो आईबीए के टेस्ट के रिलेटेड है। 26 जून 2023 का ये टेस्ट है, इंटरमीडिएट लेवल का ये टेस्ट है और ये सारे सॉल्व एमसीक्यूज हैं जो कि आईबीए के टेस्ट में आए। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ केपीके? केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास फाटा, जीबी, करक या एनडब्ल्यूएफपी। तो इसका सही जवाब है हमारे पास एनडब्ल्यूएफपी। केपीके का जो पुराना नाम था एनडब्ल्यूएफपी, एनडब्ल्यूएफपी स्टैंड फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और इसका नाम चेंज हुआ था 2010 में। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, सदर थे हमारे आसिफ अली जरदारी। अगला सवाल है जी हमारे पास, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ, पाकिस्तान में से किसका मेंबर है? ऑप्शन हैं सार्क, नेटो, आसियान या इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर है जी सार्क, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क स्टैंड फॉर जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में, और सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में वाक़ है जी। पाकिस्तान नाटो का मेंबर नहीं है और आसियान का भी मेंबर नहीं है, वो जबकि सार्क का मेंबर है। अगला सवाल है जी, हुज टॉम्ब इज़ लोकेटेड इन कीजर लेक सिंध? सिंध में जो कीजर लेक है वहाँ पर किसका मकबरा है? ऑप्शन हैं लैला मजनू, शशि पुनू, नूरी या हीर रांझा। सही जवाब है जी नूरी, और ये भी लोक दास्तान है इस तरह की, हीर रांझा टाइप की। तो इसका मज़ार जो है जी कीजर लेक सिंध में वाक़ है। अगला सवाल है जी, विच वाइटमिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? कौन सा वाइटमिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं जी? ऑप्शन हैं वाइटमिन ए, वाइटमिन के, वाइटमिन डी या वाइटमिन ई। तो इसका सही जवाब है जी वाइटमिन के, वाइटमिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगला सवाल है जी, अजरक डेट्स बैक एंड बिलोंग्स टू? ऑप्शन हैं कंडारा सिविलाइजेशन, अफगानिस्तान, कोयटा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अजरक जो होती है जी चादर पहनने वाली, तो वो किसे बिलोंग करती है? इसका सही जवाब है जी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध और हैदराबाद, सिंध के इलाके जो हैं हैदराबाद को में, कराची वगैरह में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहनी जाती है जी अजरक, और अजरक वाली टोपी जो होती है। तो अगला सवाल है जी, हुंजराब पार्क इज़ लोकेटेड इन? तो यहाँ पर आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ये हुंजराब पार्क की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर वाक़ है जी? गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी या ज़ियारत। तो इसका सही जवाब है जी गिलगित बल्तिस्तान। हुंजराब पास भी जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर है जी, गिलगित बल्तिस्तान में आता है। तो और हुंजराब पार्क भी जी जीबी में वाक़ है। नेक्स्ट सवाल है जी, व्हेन इज़ इकबाल डे सेलिब्रेटेड? इकबाल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 दिसंबर, 21 जनवरी, 9 नवंबर या 12 दिसंबर। सही जवाब 9 नवंबर, 9 नवंबर को इकबाल डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। और आप लोगों से सवाल है जी, अल्लामा इकबाल डाइड ऑन? तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि अल्लामा इकबाल ने की तारीख वफात क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को इस तरह का मटीरियल जो है अगर PDF वगैरह में चाहिए, तो आप लोग हमारी वेबसाइट ilmki.com से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लें। पढ़ते हैं अगले MCQs की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन? पाकिस्तान का नेशनल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 14 अगस्त, 23 मार्च, 16 जुलाई, 23 मई। सही जवाब है जी 23 मार्च, कोकराझार पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो अगला सवाल है जी, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप्स ऑफ डेजर्ट? सिराओं के कश्ती किस जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन हैं गोट, हॉर्स, जेबरा या कैमल। इसका दुरुस्त जवाब है जी कैमल, ऊँट को जी सिहरा की कश्ती भी कहा जाता है। और आप लोगों से सवाल है यहाँ पर, नेशनल पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? ये आप लोगों को कमेंट में लाजम बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है जी, व्हाट इज़ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कॉल्ड? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड या पॉलीवुड। इसका सही जवाब है जी लॉलीवुड। और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को जी बॉलीवुड कहते हैं, और USA की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहा जाता है। तो अगला सवाल है जी हमारे पास, विच रिवर फ्लोज इन बांग्लादेश?
बांग्लादेश में कौन सा दरिया बहता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास इंडस, रावी, गेंगस या सिंध। इसका सही जवाब होगा जी गेंगस, जिसको गंगा रिवर भी कहा जाता है, दरिया गंगा। और ये इंडिया और बांग्लादेश से बहता है जी। अगला सवाल है जी हमारे पास, व्हाट इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ इराक? इराक का जो पुराना नाम है वो क्या था? ऑप्शंस हैं लेबनान, मराकश, मेसोपोटामिया या मोगादिशु। तो इसका सही दुरुस्त जवाब होगा जी मेसोपोटामिया। और क्या इराक का जो कैपिटल है उसका नाम है जी बगदाद। बगदाद इराक का कैपिटल है जी। तो ये थी हमारी IBA के रिलेटेड वीडियो। तो ये सवाल पेपर में आ चुके हैं, और इस तरह के मजीद सवाल जी आप लोगों को हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, वो भी वक्तन वक्तन विजिट किया करें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो वीडियो करते हैं एंड जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।